Topic for today is Very Lonely She. It is a short story which was written by Motilal Jotwani. Initially, it was written in Sindhi language with the title of Akeli Akeli Ho. And later on, it was translated by author's brother Nandlal Jotwani in English. Before going to start telling about author and the short story, I would like to tell you about the language Sindhi. Sindhi language ek aisi language jo hai jo filhal 18 million people dwara Pakistan mein boli jati hai. Pakistan ke Sindh aur Baluchistan namak jagahon pe ye schools mein first language hai. और सेकंड लैंग्वेज जो है वो बाद में दूसरी लैंग्वेजेस आती है. इंडिया में ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ जगहों में बोली जाती है. नाउ वी वुड लाइक टू एड्रेस अबाउट द ऑथर मोतीलाल जोतवानी. 1936 में इनका जन्म हुआ सुकर नामक जगह पे जो कि फ़िलहाल सिंध पाकिस्तान में है. इन्होंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर की. उसके बाद इन्होंने एज ए रीडर ऑफ सिंधी लैंग्वेज इन देशबंधु कॉलेज न्यू दिल्ली में अपना काम शुरू किया. इनकी लगभग 55 के आसपास ये रचनाएं हैं जिनमें शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, पोइट्री, एसेज, क्रिटिसिज्म और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी शामिल है. मोस्ट ऑफ द वर्क्स वर डन इन सिंधी लैंग्वेज और इसके अलावा भी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी इन्होंने काम किया था. ये जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, इनके ब्रदर ने इसको ट्रांसलेट किया इस शॉर्ट स्टोरी को. ऑथर मोतीलाल की मृत्यु 2008 में हुई थी. अब हम स्टोरी वेरी लॉनली शी के बारे में आपको बताते हैं. ये स्टोरी पब्लिश हुई थी कथा प्राइज स्टोरीज़ वॉल्यूम 10 में और ये स्टोरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. इस स्टोरी का जो नरेक्टर है, नरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ ए थर्ड पर्सन. ही वॉन्ट टू टेल डिस्टिंक्शन यानी जटिलता बिटवीन लॉन्लीनेस यानी एकांत एंड अलोननेस. दोनों के बीच में लगभग सिमिलर वर्ड है और उसके दोनों के बीच में जटिलता को बताने की कोशिश कर रहा है. जो इसमें दो करेक्टर है, एक ओल्ड विडो लेडी है और एक उनका भांजा है मनोहर. मनोहर वाइल गोइंग बैक टू दिल्ली ही ब्रेक्स हिज जर्नी टू सी हिज मौसी वो लाइव्स इन आगरा. मनोहर एक ऐसा बंदा है जिसकी फैमिली दिल्ली में सेटल्ड है और किसी काम से कहीं दूसरी जगह गया था और वापस दिल्ली जाते टाइम वो आगरा रुकता है अपनी मौसी से मिलने के लिए. मनोहर के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में स्टोरी की जो मैन कैरेक्टर है पूरन मौसी उसके बारे में आपको बताऊंगा. मनोहर इज़ अ डिसेंट पर्सन, मिडिल एज का बंदा है, गुड एट हार्ट. वी सी लाइफ ऑफ पूरन मौसी थ्रू हिज आइज. हम इनके ही माध्यम से जो मैन कैरेक्टर है पूरन मौसी जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है उनकी लाइफ इनकी आँखों से देखेंगे, ये अपने को रियलाइज़ करेंगे. ही इज़ लाइक एवरीवन, जिस तरह सभी लोग बिज़ी रहते हैं, इनग्रोस्ड यानी तन्मय रहते हैं अपने काम में, उसी तरह ये भी अपनी डेली लाइफ में बिज़ी थे. ही इज़ सन ऑफ पूरन सिस्टर विमला. पूरन मासी की जो सिस्टर है पूरन देवी की, उनकी सिस्टर का नाम है विमला, उनके ये लड़के हैं. अभी हम जो मैन करेक्टर है पूरन मासी उसके बारे में बताते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, द स्टोरी इज़ नॉट एक्शन बेस्ड. ये स्टोरी एकदम सिंपल स्टोरी है, एक्शन बेस्ड पे, एक्शन वगैरह इसमें कुछ नहीं है. और ये काबुलीवाला, आपने टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला नामक स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये स्टोरी उसी के लगभग पैरेलल है. अब हम मैन कैरेक्टर पूरन मासी के बारे में आपको बताते हैं. ये स्टोरी की मैन कैरेक्टर है एक ओल्ड लेडी है, एक ओल्ड वुमेन है. वो वॉज़ अमेंडेड बाई हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड द्वारा उसको छोड़ दिया गया था. स्टार्ट लिविंग विथ हर पेरेंट्स, उसके बाद ये अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू करती है. इनिशियल में ये एक वुमेन स्कूल चलाती है जिसमें वुमेंस को पढ़ाती है, लेकिन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद और जब वो खुद एज उसकी ज़्यादा हो रही थी तो उसने उस स्कूल को सोल्ड आउट किया. अभी जो इनकी जीविका है वो अकेली रह रही है, उसके बाद वो अकेली हो गई थी अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद, और अभी अपनी जीविका जो है वो अपने
एक पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए छोटे से घर के रेंट के सहारे चला रही है और शी इज़ नॉट इवन एबल टू अफोर्ड टीवी टेलीफोन इवन अ न्यूज़पेपर बट स्टिल लाइव विद पॉजिटिव एंड कॉन्टेंटेड यानी संतुष्ट लाइफ के साथ ये जीती है. ये सी इज़ एन ओल्ड विडो बट स्टिल हैज़ सेल्फ रेस्पेक्ट. वो अपने भांजे से मिलती है तब भांजा बोलता है कि आप अकेला महसूस नहीं करती, तो इसका जवाब देती है लाइफ बिकम्स द वे यू मूड इट. ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है जैसे आप इसे ढालते हैं, मूड यानी खांचा या ढालना. सी हैज़ एक्सेप्टेड लोनलीनेस एज पार्ट ऑफ हर लाइफ. वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद तथा अपने रिश्तेदारों वगैरह से रिश्तेदार जब उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उसको रखने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एकांतवास को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट मान लिया. सी इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट द हार्ट विच सी रिसीव्ड फ्रॉम द हर ब्रदर इन लॉज सन. इनके देवर के लड़के ने उनको कुछ बोला, वो उसको आज तक ये भुला नहीं पाई. क्या बोला? उसने बोला फॉर गॉड सेक चाची लीव अस अलोन, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो. देर आफ्टर सी नेवर विजिट टू देयर हाउस, उसके बाद उन लोगों के घर आज तक ये नहीं गई बिकॉज सी हैज़ सम सेल्फ रेस्पेक्ट. इन सब कड़वे अनुभवों के बाद भी अपने लोगों के प्रति प्रेम भाव अफेक्शनेट ये रखती है, क्योंकि इसके बाद भी उसने मनोहर का वेलकम बहुत वार्म तरीके से किया और अपने भांजे का वेलकम करती है. पूर्णमासी जो है मनोहर से अपनी सिस्टर विमला की बेटियां यानी मनोहर की बहनों के बारे में पूछती है. उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि पूर्ण के फादर यानी विमला के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी और मनोहर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने पूर्णमासी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक्चुअली वो उन्हें बताना भूल गया था. पूर्णमासी ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और मनोहर जो है वो कोई एक्सक्यूज़ ना बना के अपनी इस चूक यानी ओमिनस को एक्सेप्ट करता है और इसके लिए रिग्रेट यानी माफ़ी भी मांगता है. पूर्णमासी से दिल्ली पीपल हैव नो टाइम फॉर देयर किन, किन यानी स्वजन, अपने लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है. ये जो है पूर्णमासी वो बोलती है वी सी दैट मनोहर फील्स सो लॉनली इन फ्रंट ऑफ मौसी एंड डजेंट हैव कोरेज टू फेस हर ग्रीफ एनीवन एनीवे ही लाइज ऑन कोट, चारपाई पे वो सो जाता है लास्ट में और अपनी आंखें बंद कर लेता है. इस तरह स्टोरी एंड होती है. एक वृद्ध महिला के बारे में है, वो किस तरह अकेला रहती है, फिर कैसे एक बंदा उनका रिश्तेदार उसके पास जाता है तो अपनी अंदर की जो बातें है उसको बताती है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अलोननेस बिकम्स लोनलीनेस. अलोननेस जो है वो लोनलीनेस बन जाती है, अकेलापन जो है एकांत बन जाता है इन लाइफ ऑफ दैट पूरन मौसी. द स्टोरी इज़ फिनिश्ड. आई होप यू got some logical things about this story. Thank you so much.